बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी छोले की खिचड़ी। छोले की खिचड़ी बनाने के लिए चाहिए छोलिया, चावल, नमक, लाल मिर्च का पाउडर, प्याज, अदरक और हरी मिर्च। सबसे पहले मैं प्याज को ब्राउन करूंगी और इसमें जाएगा घी। मैं इसमें घी डालूंगी, आप चाहे तो और भी डाल सकते हैं। एक प्याली दरमियाने साइज की ये प्याज इसमें डाल। तो प्याज पकना शुरू हो गया, अब हम इसको ब्राउन करेंगे। दाल ब्राउन नहीं करेंगे, हम इसको सिर्फ ब्राउन करेंगे। अगर दाल ब्राउन करेंगे तो कोदे जैसा पर रंग नहीं निकलता। जब प्याज ब्राउन होना शुरू हो गया, अब ये प्याज ब्राउन हो गया, अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी। जब इसके अंदर पानी डालें, ढकना ऊपर रखें, थोड़ी सी जगह के ऊपर इसको पानी डालें। कितना पहला रंग निकला है इसमें। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 5 टेबल स्पून नमक। ये अदरक है, 1 इंच का चुका है, इसमें भी हरी काट ली है, जो हरी मिर्च है वो आपने डाली। ये अब इसके अंदर छोटे डालती हूँ, छोटे जिसमें डाल के भून भूनूंगी। एक और छोरी है मेरे पास, तो मैं इसके अंदर अच्छी तरह भूनूंगी। मेरी फैमिली छोटी है, अगर आपकी छोटी फैमिली बड़ी है तो आप ज़्यादा पका सकते हैं। 1 किलो छोलिया भी पका सकते हैं, आधा किलो भी बना सकते हैं, 2 किलो चावल भी पका सकते हैं। बस आप इसका ना मसाला थोड़ा बढ़ा दें, मसाला बढ़ा देंगे तो बस वो मुझे डबल कर दें। अब चलिए अच्छी तरह भून गए, और देखिए कितना प्यारा इसका ब्राउन रंग निकला है। आप इसके अंदर 2 गिलास पानी शामिल कर दें। दस से पंद्रह मिनट के लिए मैं इसमें डाल दूंगी। ये फिर जब चने गल जाएंगे फिर हम इसके अंदर चावल डालेंगे। अब 10 से 15 मिनट हो गए हैं, मैं इनको चेक करती हूँ। पक रहे हैं चने, छोरिया खूब पक रहा है, देखते हैं गले हैं कि नहीं। ये गल गए हैं, बिल्कुल ठीक गल गए हैं, ये देखें। अब मैं इसके अंदर चावल डाल दूँ। आधा किलो चावल है और 1 पाव छोरी है। थोड़ा सा पानी कम है, देखें 1 इंच के करीब पानी ना, 1 इंच थोड़ा सा और डालेंगे। अब ये पानी पूरा हो गया, ये देखें 1 इंच है ना, और ये देखें बिल्कुल इसके ऊपर मैंने रखा है। और ये इस स्टेज पे आप अपना नमक पूरा कर सकते हैं, कम या ज्यादा जितना भी आपने करना है। अब इस स्टेप पे आप चख लें और इसके मुताबिक आप डाल। ये 2 हरी मिर्च मैंने काट के रखी है, ये भी डाल। मैं भी थोड़ा सा नमक चख लेती हूँ इनका, देख तक करके ना इस तरह का सा चख। मेरा भी थोड़ा काम है, थोड़ा सा मैं और डाल देती हूँ चने। अब एक दफा चम्मच ला देते हैं इसके अंदर, पानी खुशक तक मैं इसको पकाऊंगी। अब चावलों का पानी खुशक हो गया, चमकदार चावल बने हैं। अब मैं इसको
इसको 10 मिनट के लिए मैं दाम के ऊपर रखूंगी। दस पंद्रह मिनट हो गए हैं, अब मैं दाम को चेक करती हूँ। देखिए चावलों का दाम आ गए, चावल इतने अच्छे बने हैं, काफी अच्छा बना, रंग भी आया इनका। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। आपने छोले की खिचड़ी तैयार है, बड़ी अच्छी बड़ी मजेदार बनी है। आप भी बनाए, बड़े मजे से खाएं। अल्लाह हाफिज़।